ये मेरे काजे क्या क्या, मैं मर जाऊं, हाथ पैर मेरे चल नहीं पा रहे सर। मैं क्या कह रहे जे, क्या झपड़ गया जे त्रिपाल, में दिन काट रही हूँ सर। आप ही मेरी सुनाई नहीं करोगे तो कौन करेगा मेरी सुनाई है? मैं तो सर आप मर ही रही हूँ, आप सुनो तो सुन लो मेरी, ना सुनो तो सर मैं तो खुद ही मर ही रही हूँ, क्या करूँ। मैं तो मंजूरी के है नहीं है सर, मैं है और मैं तो मंजूरी मिल जाए तो कुछ हड़के कर ले देख सकते हैं। और जो वीडियो आपको दिखाने वाले, बहुत दुख भरी वीडियो है, और आप उस वीडियो को देखोगे तो वो आप भी रोने लगोगे। और जो मैं आया हूँ यहाँ, बुलाया गया है कि भाई आप हमारे यहाँ आओ, बहुत ही ज़्यादा दुखद मामला है, बहुत ही ज़्यादा दुख तकलीफ है लोगों को। माता जी, और माता जी से हम पूछने वाले, राम राम, क्या परेशानी है, क्या क्या प्रॉब्लम परेशानी जी है मेरे काजे क्या क्या, मैं मर जाऊं, हाथ पैर मेरे चल नहीं पा रहे सर। मैं क्या कह रहे जे, क्या झपड़ गया जे त्रिपाल, में दिन काट रही हूँ सर। आप ही मेरी सुनाई नहीं करोगे तो कौन करेगा मेरी सुनाई सही बात है? मैं तो सर आप मर ही रही हूँ, आप सुनो तो सुन लो मेरी, ना सुनो तो सर मैं तो खुद ही मर ही रही हूँ, क्या करूँ। मैं तो मंजूरी के है नहीं है सर, मैं है और मैं तो मंजूरी मिल जाए तो कुछ हड़के कर लेती हूँ, पैर में वैसा मेरा टूटा है सर। माता जी। कितने साल की, कितनी उम्र हो गई आप? आप मेरे आधार कार्ड में देखिए सर, हाँ ये गिरी हूँ सर, मेरा दांत टूटा है, सीढ़ी पे चढ़ी थी मंजूरी करने गई थी, जो दांत टूट गया सर मेरा। हाँ आपको आवास वगैरह यहाँ नहीं मिले? नहीं मिला मुझे सर, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला मुझे, न आवास मिला न कुछ मिला। मैं तो मेहनत मजूरी तुम्हारे के मांग चूं के पेट भर रही हूँ सर। अच्छा, हाँ तो आपने फॉर्म भरा कभी आवास का? नहीं भरा सर मैंने। हाँ अच्छा, लोगों ने बोला, पंचायत में बोला हाँ था? बोला जो क्या कह करे, चले गए के हमारा तुम हो तो क्या कह करे, भर देना अब क्या करे सर, हमारा वो खुला नहीं। खाता माता नहीं खुले, हाँ कागज वगैरह? नहीं आप गए थे बैंक? नहीं गए थे सर, नहीं गए। नहीं गए थे लाडली अभी, बहना के रुपया मिल रहे हैं आपको? 1,000 सबके आ रहे हैं, सब महिलाओं के आपके आ नहीं रहे हैं? कुछ नहीं मिल गया अभी कुछ सर, नहीं मिल। हमको कुछ नहीं मिल गया। अच्छा, तो आप कैसे चला रही हैं अपनी व्यवस्था, कैसे अपनी खाना भी पीना तो हो क्या रहा कह है? रहा, खाना पीना ये हो रहा है हमारा के सर, चले जाती है आपके मेहनत मजूरी को तो अपना मठा मयरी से गुजारा कर रहे, रोटी भी दुल्ला में हमको तो खाने को। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं, और हाँ जी देखिए, इधर घुमाइए भाई, इधर दिखाइए इनको, देखिए ये मकान में ही इसमें रह जो रहे है हैं, के चूल्हा बना हुआ है। माता जी का जीवन इसी में ही गुजर रहा है, कुल मिला के जी। और इतने लोग, सारे लोग खड़े हुए हैं, देखिए आप, देखिए। और यहाँ एक नहीं है, सैकड़ों की संख्या में ऐसे कच्चे मकान है जिनको अभी तक आवास भी नहीं मिले, और आवास मिल भी रहे तो गड़बड़ हो रही है, कोई ठेकेदार पैसा खा रहा है इनके। बहुत ही ज़्यादा दुखित हैं। और एक नहीं है, और जो भैया पीछे खड़े हुए हैं, अंकल जी, ये देखिए, न थोड़ा चल के दिखाना, क्या दिक्कत है आप, क्या परेशानी परेशानी साहब यही है है? कि अब मजदूरी हम पे होती नहीं, अच्छा, अब कहाँ से खाएं, बोलो पेंशन भी चालू ऐसे नहीं, और सही है पेंशन पेंसिल वगैरह कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा दुखद है भाई। बहुत ज्यादा ये दुखद है अंकल सर, चल नहीं पा रहे चल हैं, नहीं इनकी चल पा व्यवस्था के लिए कोई भी नहीं है, आप बताओ कैसे ये रहा, बढ़ेगा खड़ा अंकल, भी नहीं खड़े हो पा रहा हूँ, भी नहीं कब हो पा पा रहे रहा हैं है अंकल। मैंने जबरदस्ती से किया खड़ा, तो इन्होंने ये यहाँ पे खड़े हुए हैं। क्या कर सकते हैं भाइयों बहनों, आप ही इनका सपोर्ट आप लोग ही कर सकते हैं। क्या सपोर्ट कर सकते हैं आप लोग, केवल फॉलो वॉच करो वीडियो, और इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों पे एज वीडियो जाएगी तो लोगों की क्या है, सरकार में जो पेंशन बैठे हुए हैं उनकी भी आंखें खुलेंगी, वो लोग भी जानेंगे देश के अंदर गरीबी कितनी है। नेता लोग तो क्या करते हैं भाई, नेता सही बंधु सही लोग मंचों पे भाषण चलते हैं उनके, ऐसा कर दिया मैंने, वैसा कर दिया। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप इधर आओ एक बार, अभी बच्चे देखो को देखो, ये यहाँ की बच्चे को रियलिटी दिखा रहा देखो है आप, ये देखिए, ये बच्चे, छोटू भारत के छोटू भविष्य खड़े हुए हैं, आप भी देखिए ना, देख रहे हैं आप? यहाँ कोई क्या स्कूल है छोटू बेटा, क्या कर रहे हो तुम? पढ़ने जाते हो नहीं जाते है? हैं आप जाते हो ना, स्कूल? ना जाते
कम से कम स्कूल वगैरह नहीं है, लड़के खड़े हुए हैं, उनकी भी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद होगी क्योंकि वो भी नहीं पढ़ पाएंगे तो अंकल जैसे हो जाएंगे। कहीं अंकल ने नहीं पढ़ पाया तो अब वो इस भुगत रहे हैं, ऐसे ही बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो वो भी यही काम करेंगे। अंकल जी आप हैं ये बताओ, जो आपने पेंसिल वगैरह के लिए फॉर्म भरे नहीं भरे तो इनसे कृपया करके हम इतना ही कहना चाहेंगे जो कागजात वगैरह हैं वे हमें दे दीजिए आप, ठीक है? तो हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है? और जो स्कूल यहाँ जो है नहीं है, करीब लाइट भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, यहाँ रोड है, देख कीच कितनी भरी है कीच, तुम वीडियो भेजो कीच का बात चलो। बरसात हो जाती है तो बेल बंद सब बरसात हो जाती है, फिर क्या होता है? फिर तो एक भी आदमी कोई किधर निकल पाता, रास्ता ही खराब हो जाती कोई भी। अच्छा अभी भरा है पानी, वीडियो भेजो। वो तो भरा हुआ है, मेरे को भी दिख रहा है, अभी दिखाने वाले। लाइट और सड़क तो ही नहीं है बिल्कुल, स्कूल भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है। करीब कितने परिवार हैं यहाँ पे? परिवार तो बहुत है। कितने लोग? दो ढाई सौ लोगों का ऐसे ही जीवन गुजर रहा है, ऐसे ही काट रहा है, अंधेरे में डले रहते हैं। कितने साल हो गए तुम्हें यहाँ रहते? बहुत साल हो गए भाई साहब यहाँ तो डले डले, 15-16-17 साल हो गए। लेकिन अभी तक ना कुछ नहीं बना, ने आवास ने कुछ नहीं है, कोई पेंशन वगैरह कुछ ही नहीं। वोट मांगने आते हो तब क्या कहते हैं नेताजी? जी कहते हैं हम जब बन जाएगा अली बन जाए बनवा देंगे। बार जब भी आए नेताजी, अभी विधानसभा का चुनाव होगा तो आप यही शर्त रखना कि मेरे पास तभी आना, वहाँ से रोड लेके आना, तब तक आओ मेरे पास, रोड और मकान और बिजली और स्कूल। आप कह दो कि मैं तो सीधा कि तभी जाऊंगा वोट डालने जब मेरे पास इतनी व्यवस्था होगी। करीब करीब यहाँ 400-500 के करीब वोट है, यहाँ वोट ले जाते हैं, कोई नहीं सुनवाई होती है। कोई नहीं सुनवाई करता है, ये तो सही बात है। ठंडी छाती पर जाती है, ले जाती है सर, क्या करे सर, मर जाए तुम। और तो ये कहते है कि अरे भाई क्यों बुढ़िया परेशान हो रही है, तुम्हारे बच्चों को ऐसे हो जाएंगे जो बड़े बड़ों से अभी बढ़ जाएंगे, अब जो बढ़ तो रहे बड़े बड़े उसे। देखो गाइस बस आज के लिए इतना ही, आपने जो मैंने दिखाया वो तो आपने देख ही लिया, और वीडियो को इतना शेयर करना है, इसको इतना शेयर करना है कि वीडियो बहुत आगे जाए काफी, और ताकि लोगों की मदद हो सके, और जितनी मदद हमसे बन रही है उतनी तो हम कर ही रहे हैं। कृपया करके आपका आशीर्वाद है, आप लोग चाहेंगे तो और भी इनकी मदद बहुत ज्यादा जल्दी होगी और ज्यादा मदद होगी।